कॉमिक बुक्स कहानी सुनाने का एक विजुअल मीडियम है। जिस तरह हर भाषा में किताबें पढ़ी जाती हैं, कहानियां पढ़ी जाती हैं, इसी तरह कॉमिक बुक्स एक विजुअल मीडियम है जिसके जरिए आप अपने मैसेज, अपना अपना अपनी कहानियां बच्चों तक, बड़ों तक पहुंचा सकते हैं। और ये अमेरिकन माशरे में एक बहुत ही मकबूल जरिया रहा है। और ये 1930s से 1920s से ये कॉमिक बुक्स का सिलसिला चलता रहा है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, और उसकी मकबूलियत भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि मूवीज आजकल जितनी भी आ रही हैं हॉलीवुड की, वो सब इन्हीं कॉमिक बुक्स पे से मानूस हैं, चाहे वो सुपरमैन हो, चाहे वो स्पाइडरमैन। और ये लोग बहुत मकबूल हुए दुनिया भर में, और इससे किसी माशरे या किसी कल्चर का ताल्लुक भी नहीं। पाकिस्तान में भी बच्चे बड़े देखने जाते हैं, हर मुल्क में ये मूवीज देखी जा रही है, और ये सब कॉमिक बुक्स पे, कहानियों पे मबनी है। तो इसका अच्छा असर है या बुरा असर है, ये तो जाहिर बात है, जिस तरह आप किसी भी किताब में देख सकते हैं, अगर उसका मैसेज अच्छा है तो उसका असर भी अच्छा होगा। इसी तरह अगर उसको खराबी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो माशरा खराब भी हो सकता है। तो इसमें कोई मीडियम का कोई एज सच कोई आप कहते हैं कसूर नहीं है। ये तो आप जिस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे, एक टूल है। तो मेरे ख्याल में तो उसके बहुत से पॉजिटिव्स हैं। हमारी कोशिश भी यही है बुराक के साथ, इंशाल्लाह कि हम एक पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बच्चों को और बड़ों के सामने पेश करें, जो कि एक रूहानी पहलू सामने लाए। क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर इंटरटेनमेंट है आजकल, उसमें रूहानी पहलू जो है वो नहीं है, बहुत सेक्युलर है, और अच्छी वैल्यूज हैं उसमें, लेकिन एक सेक्युलर अप्रोच है। हम लोग चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट में भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, एक रूहानी पहलू नजर आए, जिससे लोग इंस्पायर हो और अच्छा फील करें। अच्छा, स्पेशली पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम चाहते हैं उसमें एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिविटी हो, एक होप हो, एक उम्मीद हो, और बच्चे कह सकें कि भाई अगर सुपरमैन है तो मेरा बुराक भी एक सुपर हीरो है, जो भी नमाज पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर।